तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टूडे पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इक्विनिक्स इंडिया डेवलपमेंट लिमिटेड। इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 95 पैसे की तेजी देखने को मिल रही है और स्टॉक करंट लेवल पर 130 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो के माध्यम से ये डिस्कस करेंगे कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो नीचे में जो ग्रीन कलर की नेक लाइन देख रहे हैं, इस पॉइंट पर स्टॉक के अंदर एक सपोर्ट लेवल बन चुका है जो कि 125 रुपीज पर है। 125 रुपीज के पास स्टॉक इस प्राइस को रिटेस्ट करता है और यहाँ पर स्टॉक काफी समय तक कंसोलिडेट भी करता है। ऊपर में जो स्टॉक के अंदर एक रुकावट रेंज है वो 135 रुपीज पर है। ऊपर में जब तक स्टॉक 135 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट देकर ऊपर एक क्लोजिंग नहीं लेता, जब तक स्टॉक के अंदर ऊपरी लेवल पर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा और स्टॉक एक रेंज बोन में ही ट्रेड करेगा। तो अगर आप इस स्टॉक के अंदर एक लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो नीचे में 125 रुपीज का एक इम्पोर्टेंट स्टॉप लॉस ट्रेड करें। ऊपर के टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए 141 रुपीज जो कि इस पॉइंट पर है, और यहाँ पर अगर स्टॉक इस प्राइस को ब्रेकआउट देता है तो स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट अराउंड 155 रुपीज का बनता हुआ नजर आएगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।